पिछले 10 साल से लिख रही हूँ मैं कविता, अपनी कहानी कविता में गढ़ रही हूँ। कविता क्या है? कुछ कहानियाँ, कुछ किस्सा हैं, मेरी कविताएं मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। तो वो हमने तो उनकी मोहब्बत से भी मोहब्बत करी थी, तो उनकी मोहब्बत के लिए कुछ लिखा था कि उसे आज भी तुझमें से मेरी महक आती होगी, उसके बाद शायद वो पीछे हट जाती होगी। तुमने मुझे छोड़ा है मैंने नहीं, पर शायद तुझे भी मेरी याद आती होगी। और जब रात को साथ बैठकर बातें करते होगे, तो क्या वो भी तुम्हें सीने से लगाती होगी। और लिखे जो खत हमने एक दूजे को, क्या वो सारी रात बैठकर उन्हें जलाती होगी। घर तो वो तुम्हारा और मेरा था ना, घर तो वो तुम्हारा और मेरा था ना, क्या उसे भी उस घर में नींद आती होगी। और मोहब्बत तो मैंने ही ज्यादा करी थी, ये बात वो भी जानती है, फिर भी तुमने मुझे छोड़ दिया, क्या ये बात उसे भी सताती होगी। और मेरा फोन देखते ही वो काट देती है, मेरा फोन देखते ही वो काट देती है, शायद वो तेरे बिन रहने की बात उसे भी डराती होगी। और मैं वहां नहीं हूं, बहुत दूर हूं, पर मेरे होने की उम्मीद उसे आज भी सताती होगी, उसे आज भी तुझमें से मेरी महक आती होगी। तो ये था एक किस्सा। अब जो मैंने लिखा है वो है डोमेस्टिक वायलेंस पर, कि लाल आंखें चेहरे पर नाखूनों के निशान और बदन पर पड़ा हर घाव, उसकी पूरी कहानी कह रहा था आज, मगर वो बंदी है उसकी जिसे सब कहते हैं समाज, जो हाथ पकड़ कर घर लाया था, लाल रंग से मस्तक उसका सजाया था, आज उसी ने हाथ पकड़ कर घर के बाहर निकाला है, मस्तक ही नहीं लाल उसका शरीर बनाया है। और हाथ जोड़कर बैठी है जिस पिता के आगे, उस पिता ने भी हाथ सर से उठाया है, माँ बेचारी ने भाग कर सीने से लाड़ों को लगाना चाहा है, मगर पिता की लाल आंखें देख दिल उनका भी घबराया है। यह सब लाल रंग का कमाल है, जिसका बंदी ये पूरा समाज है, जो कल था वही आज है, उस लाल रंग का बंदी ये पूरा समाज है। लेकिन देखो वक्त ने कैसी करवट खाई, लाल रंग मिटाकर घर से चली वो आई, और अगले दिन अखबार में फिर एक वही खबर छाई कि पति के अत्याचारों से महिला ने फांसी खाई। तो मेरी लास्ट की 4 लाइनें हैं, वो मैंने एक मतलब मैं हॉस्टल में रहती थी, वहां पे मैंने गाय को देखा था कचरा खाते हुए, तो उस चीज पे मैंने लिखा था कि तूने माँ बुलाया फिर तूने ही कचरा खिलाया, दर दर भटकती हूँ मैं पेट की भूख से, दर दर भटकती हूँ मैं पेट की भूख से, तू मंदिरों के लिए लड़ा, तूने मेरे लिए क्या करवाया। और माँ शब्द का अपमान करना छोड़ दे, या तो मेरी कदर कर, वरना मुझे माँ बोलना छोड़ दे। थैंक यू सो मच।